वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, बैंक निफ्टी के पास एक सब रेंज था, यहाँ पे एक रेंज था। इसको ब्रेकआउट करते तब हम कॉल के साइड जाते हैं, और यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं किया तो हमने पुट की पोजीशन बनाई। अब 5 मिनट में शूटिंग स्टार कैंडल बनी है। देखिए आप, इसी पोजिशन पर मैंने एक पुट शॉर्ट की थी, मैं आपको दिखा देता हूँ मेरी पुट कितने में चल रही है। मैं यहाँ पे पुट शॉर्ट कर रखी थी 207 रुपये के भाव से, यहीं पे 207 रुपये के भाव पे बाय की थी मैंने। इस जैसे लेवल ब्रेकआउट किया तो मैंने यहाँ पे 207 रुपये के भाव पे बाय किया, लेकिन मेरा मकसद था, मेरा टारगेट इतना लंबा नहीं था, मेरा टारगेट छोटा सा था। अभी कुछ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, मैं छोटा ये लेवल था मेरा टारगेट, लेकिन मार्केट ने 1 पे मूव देके मुझे अच्छा पॉइंट दिया है। लेकिन मैं अपना ये अकाउंट दिखाना नहीं चाहता धन वाला, तो उसमें ट्रेड करता हूँ, और इसमें मैं दोनों में ट्रेड करता हूँ, लेकिन अपने इक्वल के अपने रिस्क और मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेड करता हूँ। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, आप देखोगे वीडियो आने वाली है हमारी, प्लीज अपना प्यार दीजिए, और प्लीज 1K के पास सब्सक्राइब करवाइए चैनल, और अपना अपना प्यार दीजिए। देखिए अभी मार्केट 1 पे गिरते जा रही है, मैंने अभी अपनी पोजिशन से एग्जिट नहीं किया, इस पोजिशन को एग्जिट अभी 262 हाई मार्क आई है रिसेंटली, तो हम अपने पोजिशन को एग्जिट नहीं कर रहा, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे डाउन साइड या अपसाइड का सिग्नल मिला तो मैं अपने पोजीशन से, तो यहाँ पे मुझे लग रहा नहीं है यहाँ से मूवमेंट अच्छी मिलेगी, मुझे लग रहा है यहाँ से अच्छी मूवमेंट करेगी। ये ब्रेकआउट लेवल करना चाहिए इसको, 43,672 का लेवल डाउन साइड मिलेगा तो बहुत अच्छी मूवमेंट मिल सकती है, और वेट करते हैं मार्केट में क्या मूवमेंट आ सकती है। मैं ऐसे उठा के रख दूंगा जी, मैं मोबाइल से लगा देता हूँ, 340 का ऐसे लगा देता हूँ, तो ऐसे हिट है तो हिट है, कोई बात नहीं, पैसे तो बन गए, और मार्केट में वेट करते हैं कुछ मूवमेंट के लिए ऊपर की साइड या डाउन साइड के लिए। अब यहाँ से रिकवरी होगा तो मैं एक हैमर कैंडल का इंतजार करूंगा यहाँ से मूवमेंट अप साइड जाने के लिए, तो मैं वेट करूंगा और मूव करूंगा। धन्यवाद, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।